5-6-7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की हमें रचना करनी है, और फिर उसके बाद एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं के 7/5 गुनी। सवाल पेज नंबर 242 पर पिछला वाली 11.1 लिख दिया है, वो आप किताब से होता। एक रफ चित्र बना ले, आसानी हो जाती। इसकी भुजाएं हैं रफ चित्र में 5-6-7 ABC अपने पास है। तो सबसे पहला काम है हमारा इस त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक भुजा बना लो सबसे बड़ी, तीनों दे रखे तो 20 हमने बना ली 7 सेंटीमीटर। रचना के पास 7-7 लिख लीजिए। रेखाखंड में BC सेंटीमीटर। इसके बाद B से 6 सेंटीमीटर और C से 5 सेंटीमीटर दूरी का चाप लगाए, क्योंकि A की दूरी C से 5 है और B से 6 है। तो प्रकार में B से 6 सेंटीमीटर दूरी का चाप और C से 5 सेंटीमीटर। इन दोनों एक दूसरे को जहां भी काटेंगे वो A होगा और त्रिभुज ABC का निर्माण। सबसे पहला क्या किया, रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 7/5 गुनी। 7/5 यही तो हमने बताया था, जितने गुनी भी होंगे 2/3 गुनी 5/7 गुनी 7/8 गुनी, उनमें से जो बड़ा है अंश और हर में से वो आप देख लीजिए कितना है। बी पर नीचे की तरफ 60 डिग्री का कोण बना लो और जितना बड़ा है 7/5 है 7 बराबर चाप लगा लीजिए। यहां से नाप के 1-1 सेंटीमीटर के 7/3-4/5-6/7 लिखने का तरीका ये रहेगा, इसे लास्ट में x लिख दो।
इसके बाद आप देखिए 7/5 हमने कहा था ये हर देखो कितना है, हर वाले नंबर से सी को जोड़ दें, कितना है हर 5, तो पांचवें नंबर का जो चार है इसको सी से, सात बटे पांच में हर कितना है 5 से मिला है। अब B5 से B5 C के समांतर रेखा B7 से खींची, B7 से C B5 की समांतर रेखा खींची जो BC बढ़ाने पर सी डैश पर कट, चलिए तो कैसे समांतर रेखा खींची जाती है सी को, कोई भी प्रकार में दूरी भर के या नोक रख के एक चाप लगाइए, सेम वही चाप क्योंकि B7 से खींचनी है इससे लगाइए, इस चाप को नाप लेंगे, नाप के यहाँ नोक रखेंगे काट लेंगे इसको और इससे मिला के लिखना जहाँ भी कटाना है। ये इसको आगे बढ़ाने पर ठीक है, कोई समस्या? अच्छा अब सी डैश से AC के समांतर रेखा खींचे जो BA को आगे बढ़ाने पे A डैश पर कटेगी, यहाँ आ रहे रचना के पर 6 आ गए, सातवां यहाँ आ रहा है सी डैश जो BA को बढ़ाने A डैश पर और A डैश बी सी डैश के रूप में अभी यानी जो आपको बनाना था वो तो कैसे, अब सी डैश से AC के समांतर खींचनी है तो यहाँ प्रकार के नोक रख के एक चाप लगाओ, वही चाप यहाँ लगाओ, इस चाप को नाप लो प्रकार में उठा के यहाँ कट लगा दो और इसे मिलाते हुए इसे आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा डार्क करो क्योंकि यही हमारा अभी त्रिभुज है, ये डार्क करके दिख जाएगा ना कि भाई हमने जो त्रिभुज बनाना था वो ये वाला है, वजह डार्क नहीं करना है कभी, दिखना चाहिए ठीक है। और 5/7 होता तो 7 वाले को मिलाते सी से और फिर B5 से समांतर रेखा खींचते तो वो समांतर रेखा अंदर आ जाती है यहाँ काटती इसको फिर इसके समांतर, और अगर अंश बड़ा होगा तो वो बाहर बढ़ाने पर काटेगी, अंश छोटा होगा तो अंदर, दोनों सवाल हमने आपको करा दिए, बाकी सारे के वीडियो अवेलेबल है ठीक है, चलिए।